हाथी के कान को बनाया चींटी ने अपना घर। एक दिन चींटी हाथी को देखकर गहरी सोच में पड़ गई। चींटी चाहती थी कि वो हाथी के कान अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिताए। चींटी तुरंत हाथी के आगे जाकर खड़ी हो गई और बहुत जोर से आवाज लगाने लगी। ओ हाथी, मेरी बात सुनो। मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य तुम्हारे कान में रहना चाहते हैं। तुम्हें मैं एक हफ्ते का वक्त देती हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो मुझे बता दो, ठीक है ना? हाथी को चींटी की खबर भी नहीं हुई। वो उसे ना ही सुन सकता था ना ही देख सकता था। वो अपने काम में ही लगा हुआ था। अगले एक हफ्ते तक रोज चींटी हाथी के आगे आकर पूछती कि उसे कोई आपत्ति है या नहीं। हाथी उसे देख नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने ही काम में व्यस्त रहता था। चींटी को लगता कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। एक हफ्ता पूरा हो गया। उसने निर्णय कर लिया कि हाथी को कोई आपत्ति नहीं है। तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों समेत हाथी के कान में अपना घर बनाकर एक महीने तक आराम से रहने लगा। चींटी की पत्नी अब यहाँ रहना नहीं चाहती थी, उसे वहाँ से जाना था। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, चलो कहीं और चलते हैं। जिस हाथी ने उन्हें एक महीने तक साया दिया, उसे कोई भी कष्ट दिए बिना वो जाना चाहते थे। ओ हाथी, हम यहाँ एक महीने से तुम्हारे कान में रह रहे हैं। हमें यहाँ किसी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई। तुम्हारा कान बहुत बड़ा है और बहुत ही आरामदायक है। अब मेरी पत्नी यहाँ से जाना चाहती है। तुम्हारा धन्यवाद तुमने हमें मना नहीं किया। अगर तुम्हें हमारे जाने से कोई आपत्ति तो हम तुम्हें एक हफ्ता दे रहे हैं। इस वक्त में बोल देना। एक हफ्ता पूरा हुआ। हाथी ने इस हफ्ते में भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हाथी को कुछ सुना ही नहीं दिया। अब चींटी और उसका परिवार हाथी के कान से बाहर आ गए। वो हाथी को धन्यवाद कहने के लिए उसकी सूंड पर चढ़ गए, धन्यवाद कह दिया और उतरने लगे। अचानक हाथी के चेहरे पर एक मक्खी आके बैठ गई। मक्खी को भगाने के लिए हाथी ने जोर से अपनी सूंड हिलाई, मक्खी उड़कर चली गई। इसी दौरान चींटी और उसका परिवार आगे एक नदी में गिर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सब अपना जीवन खुद जीते हैं। अगर हमें कोई देखता नहीं तो कोई बात नहीं। शियाल को खरगोश का सबक। एक बार जंगल में सभी खरगोश एक जगह पर खेल रहे थे। तभी वहाँ से एक शियाल गुजर रही थी और उन खरगोशों को देखकर शियाल को उन्हें खाने का मन हुआ। धीरे से उनके पास जाकर कहा, खरगोश के बच्चे, आप सभी तो बहुत खुश लग रहे हैं। जी हाँ, हम सब बहुत खुश हैं, एक खरगोश ने कहा। इससे भी बढ़िया खुशी की खबर आपके लिए लाया हूँ। बताऊं क्या? शियाल ने कहा। जी हाँ, बताइए, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, आपके जो राजा चांद है वो धरती पर ही है और यहाँ से उत्तर दिशा में जो तालाब है वहाँ पर आकर खेल रहे हैं। चांद से जिसको खेलना है वो मेरे साथ आ सकते हैं। जैसे ही शियाल ने ये बात कही, बेचारे खरगोश मैं करके सभी आगे आ जाते हैं। तब शियाल ने कहा, देखो वह तालाब यहाँ से बहुत दूर है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, सभी को एक ही बार पीठ में बिठाकर नहीं ले जा सकती। एक काम करते हैं, मैं हर रोज एक खरगोश को यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ जाकर आप करीब से चांद को देख सकेंगे और खेल सकेंगे। आखिरी दिन उस रास्ते से सभी वापस भी आ सकेंगे। फिर सारे खरगोश इसके लिए मंजूर हो गए। पहले दिन एक खरगोश शियाल की पीठ पर बैठकर सभी को विदाई करके चल दिया। शियाल की बदमाशी ना जानकर इसी तरह हर रोज एक खरगोश शियाल की शिकार बनते गया। फिर एक दिन एक पक्षी पेड़ पर बैठकर शियाल की चाल को समझ जाती है और यही बात जल्दी से उसकी दोस्त खरगोशों को जाकर बता देती है।
तुम सभी लोग सुनो, वहाँ ना तालाब है ना ही चांद है। बदमाश सियाल आपको धोखा देके उसका भूख मिटा रही है। वो आपकी साथियों को खा चुका है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये सब सुनकर खरगोशों को बहुत गुस्सा आया। सियाल को सबक सिखाने के लिए सभी मिलकर तान लिए। सियाल मामा जी, आज भी हम चलेंगे, मगर थोड़ी देर एक रस्सी खींचने का खेल खेलकर उसके पास जाएंगे। वो खेल मुझे नहीं आती। कुछ नहीं सियाल मामा, हम सभी एक तरफ रस्सी खींचेंगे, दूसरी तरफ बहुत ताकतवर वाला आप खींचेंगे। जो पूरी ताकत लगाकर खींचेंगे वही जीतेंगे। ओ, अगर ऐसा है तो मैं ही जीतूंगी। ये कहकर सियाल खेल में उतरती है। खरगोश सारे एक तरफ और सियाल एक तरफ रस्सी को जोर से खींचते हैं। सियाल का जोर को देखकर सभी खरगोश एक बार जोर से खींचकर रस्सी छोड़ देते हैं। सियाल संतुलन खोकर पीछे कुएं में गिर जाती है। बदमाश सियाल मर जाने से सभी खरगोश मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं, कोई शेर है तो कोई सवा शेर होते हैं। सियाल और मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। माँ और बच्चे दिन भर आहार के लिए साथ में पेड़ पौधे के पास जाकर शाम को घर आते थे। इनको देखकर एक सियाल ने सोचा, मुर्गी के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, उनको खाने से बहुत स्वाद आएगा। सभी को एक बार नहीं, रोजाना एक को पकड़ना है, बस मुझे कई दिन तक आहार की कमी नहीं होगी। उस दिन से सियाल एक एक मुर्गी को खाने लगा। एक दिन मुर्गी को शक हुआ और बच्चों को एक बार गिनती किया। उसमें कुछ बच्चे नहीं दिखने से मुर्गी सोच में पड़ गए। मेरे कुछ बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए होंगे? कहीं गलती से झाड़ियों के पास घूम तो नहीं हो गए, या किसी और के चाल में फंस तो नहीं गए ना? फिर भी इतने दिनों में मुझे क्यों नहीं मालूम हुआ? ये कहकर मुर्गी बहुत दुखी हो गए। दिन भर बच्चों के लिए हर जगह ढूंढती रही, मगर उनकी पता नहीं लगा। रात को लेट गई, मगर दुख से उसे नींद नहीं आई। ठीक उसी समय बर्तन गिरने का आवाज आने से उस तरफ देखी। सियाल एक बच्ची को ले जाते हुए दिखी। वो देखकर मुर्गी को बहुत गुस्सा आया और बहुत दुखी भी हो गए, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस बदमाश सियाल को सबक सिखाने और बाकी बच्चों को बचाने के लिए उसने एक निर्णय लिया। सुबह होते ही जगह जगह जाकर सियाल के मन पसंद बकरी के मांस लाई, उसको एक बर्तन में रखी। हमेशा जैसा सियाल उस रात को भी आई। उसको पहले मांस के बू आने से वो अंदर जाके देखी, बर्तन में उसकी मन पसंद मांस दिखाई दिया। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। आज तो मुझे लॉटरी लगी है, पहले मन पसंद के मांस को खाऊंगी, बाद में मुर्गी की बच्चों को ले जाके सुबह नाश्ते में खाऊंगी। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ। मांस को खाने के लिए सियाल ने बर्तन में अपने मुंह रखी, लेकिन उसका किस्मत अच्छा नहीं है, बर्तन में मांस मुंह को नहीं लगती। अरे ऐसा क्यों हुआ, मैं इस मांस को नहीं छोड़ूंगी, कैसे भी इसे मैं खा लूंगी। ये सोचकर बर्तन में सर रखने की बहुत प्रयास करती है। ये सब छुपके से मुर्गी और उनके बच्चे देखते हैं। आखिर में उसका सर बर्तन में रख तो पाती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। वो उस बर्तन की वजह से कुछ खा या पी नहीं पाती है। ऐसे ही तरसते हुए वो एक दिन मर जाती है। बाद में मुर्गी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार देती है। इसीलिए बड़े कहते हैं, जो खो देगा वही गिरेगा।